हेलो दोस्तों, विक्राज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हुए दंतेवाड़ा वर्क करने। यहाँ क्या है कि मशीन में कुछ जो लोडिंग और लोडिंग का काम होता है, कुछ बैगेज वगैरह बैग्स है, बैग्स में मतलब कुछ डस्ट वगैरह होता है। अभी क्या है कि वो बारिश का सीज़न आने वाला है तो मिट्टी स्लाइड होते रहता है ट्रैक के किनारे का, तो वहाँ पहले सेफ्टी के लिए उस पर डाला जाएगा, यही है ना? हाँ। अभी सेफ्टी के लिए उसको डाल के पहले से रखना है बैग में भर के, ताकि मान लीजिए अगर ट्रैक धंसता है या मिट्टी अगर बह जाता है तो उसको पहले से डाल के उसको जाम कर दिया जाए, ताकि मिट्टी उट्टी दबे नहीं और स्लाइड नहीं हो और ट्रैक हमेशा सेफ रहे। इसलिए हम लोग फिलहाल आए हुए हैं और यूटीपी मशीन फिलहाल आए हैं, उसी पर हम लोग लोड कर दिया। कुछ लेबर लोग भी है, कुछ हम लोग भी है, साथ में मिलकर उसका थोड़ा हेल्प वगैरह कर दिए हैं। और ये हमारे बघेल भाई न्यू ज्वाइनिंग है, कैसा लग रहा है आपको बताइए? हाँ, बढ़िया लग रहा है। कोई मज़ा ही मज़ा है? हाँ ठीक है, ड्यूटी करना है, अच्छा लग रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सही है सारा कुछ। दंतेवाड़ा, इनको दंतेवाड़ा मतलब स्टेशन पर दिया तो काफ़ी बढ़िया इनके लिए। चलो मार्केट वगैरह सब कुछ नज़दीक है, घूमने का मौका मिल जाता है। और ये हमारे मुर्मू भाई क्या कहना चाहती है, तुम्हारा पुराना स्टाफ है, आप इनको तो जानते ही होंगे। क्या कैसा लग रहा है बताओ? बढ़िया लग रहा है, मौसम भी अच्छा है अभी तो फिलहाल। सुहाना सफर मौसम है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। और अभी ये ट्रांसफर भी डाल दिया है रायगढ़ के लिए, हम लोग का ट्रांसफर आया है उड़ीसा की तरफ, तो हम लोग फिलहाल डाल दिया। अब देखिए कब तक ट्रांसफर वगैरह होने का संभावना है, कब तक ट्रांसफर होता है, होने से वहाँ चले जाना है मेनलाइन की तरफ। यहाँ थोड़ा सा मतलब ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई के लोग के थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गिदर में क्या है कि स्कूल का सुविधा थोड़ा सा नहीं है, तो मार्केट में फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेलवे टेक्नीशियन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बुक है, जिसके अंदर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिलता है। और सबसे खास बात क्या है कि जो भी सिलेबस अभी दिया गया है 2024 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये बुक बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल हूबहू सारे के सिलेबस सबके सब सिलेबस में दिया गया है। चाहे आपको प्लस इसमें आपको पहले थ्योरी मिल जाती है, फिर आपको एमसीक्यू मिल जाता है, ये आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है जो सिग्नल ग्रेड वन के लिए सिग्नल एग्जाम के लिए है। ये देखिए बिल्कुल हूबहू जो आपको जिस तरह चाहिए बिल्कुल उस तरह से दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग आपको ग्रेड थ्री टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए प्रैक्टिस सेट है ये, और बिल्कुल एग्जाम पे आधारित जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है 2024 के अकॉर्डिंग। और ये आपको दिख रहा है, ये इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स हैं, सेम बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यूज हैं। उसी तरह से आपको सिग्नल ग्रेड वन के सिग्नल के लिए प्रैक्टिस सेट हो गई, और साथ साथ आपको टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए प्रैक्टिस सेट हो गई। तो आप इसको देख सकते हैं, यह बुक आपको बहुत ही कारगर साबित होगी 2024 के लिए, आप इसको ज़रूर देखिए। और कुछ कहना चाहेंगे बताइए? बस बढ़िया, यहाँ कोई कैसा आप मेरा वीडियो देखते थे पहले क्या? हाँ बिल्कुल, मैं जॉब से पहले स्टार्टिंग से मैं इनका वीडियो देखता था सारा कुछ, जब भी कहीं डाउट होता था तो मैं विक्की भाई का वीडियो देखने लगता था। बहुत धन्यवाद इनका, बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे बोलते आते हैं तो बताते हैं कि अरे आपका वीडियो मैं पहले से देख रहा हूँ, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, चलो कम से कम कुछ लोग तो मेरे को जान रहे हैं। और भैया बता रहे थे कि ट्रेनिंग में भी मेरा वीडियो चला रहा है, लेकिन सांप देख के थोड़ा है। जो ट्रेनिंग हुआ तो नाइट पेट्रोलिंग वगैरह का था, तो इनका वीडियो दिखा के दिखाया हम लोगों की, देखो ऐसा पेट्रोलिंग करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, इन्हीं का वीडियो दिखाया था। तो उसमें बहुत सारे लोग सांप को देख के डर गए थे, जब मैं सांप हाथ उठा कर फेंक रहा था। हालांकि ये मेरा पर्पस वो निगेटिव मोटिवेशन नहीं था उसका देने का, मेरा पर्पस था कि अगर सांप फेंक रहे तो आप लकड़ी से फेंक सकते, जरूर नहीं कि आप हाथ उठा कर फेंक रहे। मेरा थोड़ा शौक है मतलब मेन वर्सेस वाइल्ड का थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा वो सब कर लेते हैं। ग्लव्स भी हालांकि हाथ में था, कोई दिक्कत नहीं था, तुरंत का मरा हुआ सांप था, उतना घबराने का जरूरत नहीं। ये एरिया को सिर्फ ऐसे बदनाम कर रखा है कि नक्सली इलाका है, सब कुछ देखने को नहीं मिला नॉर्मल। मैं खुद 4.5 साल से लोगों जॉब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आज तक नहीं हुआ। आप लोग आराम से आइए, म्यूचुअल भी मिलता है तो आप लोग जरूर यहाँ पे आके म्यूचुअल कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। मान लीजिए घर आपका नज़दीक है तो आपका अच्छा दूरी पर नज़दीक हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद बोर्ड में है, आपका घर उड़ीसा की तरफ है, तो आप वहाँ से अच्छा है कि यहाँ म्यूचुअल कर लीजिए। क्या राजस्थान का बहुत, और क्या कोई खास दिक्कत, राजस्थान का बहुत लोग है, फैला रखा है यहाँ, सारा कुछ अच्छा है, वर्क लोड भी ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मौसम भी ठीक रहता है एनी टाइम। सही बात है, बाइक आपके पास अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक के साथ आराम से आप सफर वगैरह कर सकते हैं, कहीं मार्केट जाना हो आना जाना में दिक्कत नहीं होगा, तो काफ़ी बेस्ट सुविधा इधर है, आप यहाँ आके आराम से जॉब कर सकते हैं। और इधर एक्सप्रेस का आने का टाइम हो गया है, तो बहुत सारे जो पब्लिक लोग हैं वो सब मतलब सफ़र के लिए आ रहे हैं और सब लोग जाएंगे। ये से हमारे न्यू स्टेशन अभी दंतेवाड़ा का भी बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए बना दिया गया है। कोई अगर मान लीजिए कुछ लोग को चाहे फ़ोटो खिंचाना चाहे सेल्फी वगैरह लेना चाहे तो वो लोग ले सकते हैं। और हमारा गाड़ी अभी उधर से आ रहा है, उसी पर हम लोग चलेंगे, लोड अनलोडिंग करेंगे। तो हम लोग का गाड़ी यही है, यूटीपी मशीन है। ये क्या है कि यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल इसको कहा जाता है, इसमें रेल को भी उठा के कैरी करके लोड अनलोड किया जाता है। अभी फ़िलहाल क्या है कि ये अभी यही बैगेज वगैरह सब है, उसमें बहुत सारे लेबर भी है, तो इसको थोड़ा हेल्प करना है हम लोगों का। तो आप यही हम लोग आके लोड अनलोड करेंगे, अभी लोडिंग हो गया, अब वहाँ का अनलोड नीचे गिरा देना है जहाँ जहाँ जगह जगह हो। और ये देखिए, और ये हमारे रवि भाई बहुत मज़े में एकदम आराम से बैठे हुए हैं। तो आपके हमारे कमेंट किए हुए थे कि हम अशोक भाई को जानते हैं, हमारा बैच क्या, तो मैंने इनसे पूछा तो बता भी रहे थे कि हाँ मैं इनका बैच क्या हूँ।
अभी क्या है कि गाड़ी को फिलहाल साइड में लगा दिएगा, ये कोच को भी लेके उधर से जाया जाएगा, वो जो पीछे केबिन कोच उन लोग का है। और अभी क्या है कि ब्लॉक मिलने के बाद ही ये गाड़ी चलता है, अभी देखते हैं। एक्सप्रेस के बाद बोला जा रहा है कि ब्लॉक मिलेगा, एक्सप्रेस यहाँ लगभग 4 बजे यहाँ से निकलेगी लगभग, तो देखते हैं कब तक ब्लॉक मिलता है, फिर ब्लॉक मिलने के बाद ही हम लोग उसको गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग शाम हो गया है और ब्लॉक मिलने का चांसेस काफ़ी कम लग रहा था, इस वजह से चांसेस नहीं मिला। तो अभी ड्यूटी ख़त्म होने का टाइम हो गया है, फिलहाल हम लोग घर पर चलेंगे। ये फिलहाल दंतेवाड़ा का ऑफिस है हम लोग का, है SSCPO ऑफिस है, तो हम लोग का इधर ही अभी आके बाइक वगैरह यहीं लगा दिए थे, तो फिलहाल अब चलेंगे घर की तरफ। ये मेरा बाइक इधर लगा हुआ है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर पे, फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिलहाल हम घर आ गए हैं, तो ये जरा मस्ती कर रहे हैं, पानी पीछे पटा रहे हैं, तो ये एकदम देख के खुश हो रहा है फूल में। तो दोस्तों अभी फिलहाल घर आ गए हैं, और वो हुआ क्या कि ब्लॉक वगैरह नहीं मिल पाया, इस वजह से काम को नहीं, मतलब वो नहीं हो पाया, क्योंकि ब्लॉक मिलेगा उसके हिसाब से ही काम होता है। तो फिलहाल अभी कॉफ़ी टाइम है, ये हमारा कॉफ़ी भी रेडी है, तो फिलहाल कॉफ़ी पी रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों लाइफ का एंजॉय करते रहिए। देखिए कोई भी आप वर्क करते हैं, कोई भी जॉब हो, उसमें काम ज़्यादा होता ही है, चाहे ALP हो, टेक्नीशियन हो, RPF हो, ऑफिस वर्क हो, हर चीज़ में मेंटल वर्क या तो फिजिकल वर्क ये होता ही है। आपको सिर्फ रेलवे का ठप्पा लगने से मतलब है, रेलवे का जॉब होना चाहिए। हाँ, आगे आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, फिर अच्छे जगह सेटल जरूर हो जाएंगे। तो आप लोगों को मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो, लगे कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, पढ़ने मन नहीं लग रहा, तो आप हमारा वीडियो जरूर एक बार देख लें। तो जॉब के बाद लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, ये देखिए इसको भी अरे रेलवे क्वार्टर में रह ली, रेलवे क्वार्टर में रहने का सपना बहुत लोगों को होता है, क्योंकि रेलवे क्वार्टर में रह लिया क्या चाहिए के बाद, हालांकि पैसा बचता नहीं है, सैलरी कम मिलता है इस वजह से। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तैयारी चल रहा है। ये अपने अकेले अकेले हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ये लकड़ी लेके घूम रहे, दिन भर इधर उधर इधर से उधर इधर से उधर घूमते रहता है, क्या चाचा। हाँ क्या, हाँ इधर 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 आ जा, आ खैर चलिए, कल तो NH है हम लोग का, उगादी है, NH में PH मतलब PH बोला जाता है उसको, पेड हॉलीडे है, उसका रेस्ट रहेगा। हम लोग का बुकिंग नहीं है, पिछली बार गुड फ्राइडे में बुकिंग था तो हम लोग ड्यूटी किए थे, इस बार बुकिंग नहीं है तो कल हम लोग का रेस्ट है। खैर इस पर एक अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, उस पर बात करेंगे, आपको और भी सारी डिटेल में बताएंगे NH के बारे में। चलिए फिलहाल लाइफ को आप लोग भी इन्जॉय करते रहिए और तैयारी भी अच्छे से करते रहिए, एग्जाम बहुत सारा भी होने वाला है। चलिए दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।